अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मोहम्मद अदनान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज दिस, ये किस किस्म का बदला है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज दिस, ये किस किस्म का बदला है। डोंट मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ मत। डू नॉट मेक मी लाफ, डोंट मेक मी लाफ। Don't act foolishly, बेवकूफी से काम ना करो या बेवकूफाना काम मत करो। Don't act foolishly, do not act foolishly. Remember why we came here, याद रखना हम यहाँ क्यों आए थे। Remember why we came here, remember why we came here, याद रखना हम यहाँ क्यों आए थे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, Remember why we came here. Your man don't seem trustworthy to me. तुम्हारे आदमी मुझे भरोसामंद नहीं लगते। Your man don't seem trustworthy to me. Your man don't seem trustworthy to me. तुम्हारे आदमी मुझे भरोसे के लायक नहीं लगते। Seeing you are alive made me happy. तुम्हें जिंदा देखकर मुझे खुशी हुई। Seeing you are alive made me happy. Seeing you are alive made me happy. तुम्हें जिंदा देखकर मुझे खुशी हुई। I should not have sent her alone there. मुझे उसे वहां अकेला नहीं भेजना चाहिए था। I should not have sent her alone there. I shouldn't have sent her alone there. मुझे उसे वहां अकेला नहीं भेजना चाहिए था। She would not listen. She does what she wants to do. वो नहीं सुनती, वो वही करती है जो वो चाहती है। She would not listen. She does what she wants to do. She wouldn't listen. She does what she wants to do. वो नहीं सुनती, वो वही करती है जो वो चाहती है। I beg you, don't speak like this. मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसे मत बोलो। I beg you, do not speak like this. I beg you, do not speak like this. I am sorry. I yelled at you. मुझे माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया था। आई एम सॉरी आई येल्ड एट यू, आई एम सॉरी आई येल्ड एट यू, मुझे माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया था। दिस टास्क विल बी हार्डर देन आई थॉट, ये काम जितना मैंने सोचा था उससे भी मुश्किल होगा। दिस टास्क विल बी हार्डर देन आई थॉट, दिस टास्क विल बी हार्डर देन आई थॉट, ये काम जितना मैंने सोचा था उससे भी मुश्किल होगा। So glad I have you. मैं बहुत खुश हूँ मेरे पास तुम हो। So glad I have you. So glad I have you. This is a trick that he is playing. ये एक चाल है जो वो चल रहा है। This is a trick that he is playing. This is a trick that he is playing. She used you, my brother. उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया था मेरे भाई। She used you, my brother. She used you, my brother. उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया था मेरे भाई। I have never hit a woman in my entire life. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी औरत को नहीं मारा। I have never hit a woman in my entire life. I have never hit a woman in my entire life. मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी औरत को नहीं मारा। I wanted to meet you alone. मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता था। I wanted to meet you alone. I wanted to meet you alone. What is my friend got to do with this? मेरे दोस्त का इससे क्या लेना देना? What's my friend got to do with this? What is my friend got to do with this? मेरे दोस्त का इससे क्या लेना देना? Let me get straight to the point. मुझे सीधा मुद्दे पर आने दो। Let me get straight to the point.
लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, मुझे सीधा पॉइंट पर आने दो या मुझे सीधा मुद्दे पर आने दो। आर यू थ्रेटनिंग अस, क्या तुम हमें धमका रहे हो? आर यू थ्रेटनिंग अस, आर यू थ्रेटनिंग अस। ऑब्वियसली somebody did it, जाहिर है किसी ने किया था। Obviously somebody did it, जाहिर है ये किसी ने किया था। Obviously somebody did it. Who would do such a thing? ऐसा काम कौन करेगा? Who would do such a thing? Who would do such a thing? ऐसा काम कौन करेगा? My father is compelling me to marry him. मेरे वालिद मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। My father is compelling me to marry him. My father is compelling me to marry him. मेरे वालिद मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं या मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। But whatever the cost, I will not marry to him. लेकिन किसी भी कीमत पर मैं उससे शादी नहीं करूंगी। But whatever the cost, I will not marry to him. But whatever the cost, I will not marry to him. I will come to get you. मैं तुम्हें लेने आऊंगा। I will come to get you. मैं तुम्हें लेने आऊंगा। Could you please tell her to eat something? क्या तुम उससे कुछ खाने को कह सकते हो please? Could you please tell her to eat something? Could you please tell her to eat something? क्या तुम मेहरबानी करके उससे कुछ खाने को कह सकते हो? She has not eaten anything since yesterday. उसने कल से कुछ नहीं खाया। She has not eaten anything since yesterday. She has not eaten anything since yesterday. उसने कल से कुछ नहीं खाया। These are good days. ये अच्छे दिन हैं। These are good days. These are good days. ये अच्छे दिन हैं। The worst are yet to come. बुरे दिन आना बाकी हैं। ये बुरे दिन अभी आना बाकी हैं। The worst are yet to come. The worst are yet to come. How dare he come here? उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? How dare he come here? How dare he come here? उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? Don't waste your life trying to impress others. दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। Do not waste your life trying to impress other. Do not waste your life trying to impress other. दूसरों को खुश करने के चक्रों में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। Do whatever you want. करो जो कुछ भी तुम चाहते हो। Do whatever you want. Do whatever you want. Choose your next words carefully. अपने अगले अल्फाज सोच समझ कर चुनना, मतलब आगे जो बोलोगे सोच समझ कर बोलना। Choose your next words carefully. Choose your next words carefully. अपने अगले अल्फाज सोच समझ कर चुनना। Perhaps you should have done the same. शायद आपको भी ऐसा ही करना चाहिए था। Perhaps you should have done the same. Perhaps you should have done the same. शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। If I don't do it, then what will you do then? अगर मैं ऐसा नहीं करता तब तुम क्या करोगे? If I do not do it, what will you do then? If I don't do it, what will you do then? अगर मैं ऐसा नहीं करता तब तुम क्या करोगे? दोस्तों ये राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। If I do not do it, what will you do then? अगर मैं ऐसा नहीं करता तब तुम क्या करोगे? Have you ever been to that restaurant? क्या तुम उस रेस्टोरेंट में कभी गए हो? Have you ever been to that restaurant? Have you ever been to that restaurant? क्या तुम उस रेस्टोरेंट में कभी गए हो? Yes, I have been to that restaurant many times. हाँ, मैं उस रेस्टोरेंट में कई बार गया हूँ। Yes, I have been to that restaurant many times. Yes, I have been to that restaurant many times. तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के सेंटेंसेस सीखकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।